ये पेपर में प्रकाशित भी हुआ था, तमाम संचार माध्यमों में आया था, दिनांक 26 जून 2023 को थाना भिवड़ी क्षेत्र के अंतर्गत तिवारीगंज में सड़क के किनारे एक शराब की दुकान का शटर उठा के चोरी का प्रयास किया जा रहा था। वहीं पे सवेरे प्रातःकालीन भ्रमण के लिए एक व्यक्ति निकले थे, तो उसमें व्यवधान मानते हुए उन्होंने टोका इनको, तो उनको गोली मार दी और गोली मार के ये बदमाश वहाँ से भाग गए। इस संबंध में थाना बीबीटी पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया और हमारी तमाम टीमें इसमें लगी, सीसीटीवी की फुटेज तलाश किया गया, तमाम जो और टेक्निकल वो होती हैं उन सबका सहायता लिया गया। साथ ही जो ट्रेनिंग पुलिसिंग है, जो परंपरागत पुलिसिंग है, हमने मुखबिर इसमें लगाए, क्योंकि इस तरह की घटना इधर हाल फिलहाल में नहीं हो रही थी। यहाँ पे चोरी को रोकने में और तमंचा लेके लोग आए और इतने बेखौफ होके सड़क के किनारे और अग्नेयास्त्र का प्रयोग कर, तो इसमें हमको लगा कि कोई ना कोई शातिर बदमाश, कोई दुर्धर्ष अपराधी इसमें होगा, और हमारे मुखबिरों ने जो सूचना दी उसके आधार पे हम लोग इस गैंग को आज प्रातः पकड़ने में कामयाब है। इन गैंग से दो मोटरसाइकिलें जो इन्होंने एक बाराबंकी से और एक उन्नाव से चोरी की थी वो बरामद हुई, साथ ही दो तमंचे 315 बोर के बरामद हुए, उसके अतिरिक्त कुछ पैसे बरामद हुए हैं, और जो घटना करने के लिए शटर उठाने में प्रयोग करते थे वो आला नकब कहिए उसको, सब बल बरामद हुआ है। देखिए ये वर्तमान में इनके खिलाफ जो है एक पारा में मुकदमा है, जो अभी इस आज की पूछताछ में प्रकाश में आया कि वो घटना इन्होंने की है, दो चोरी की घटना है, जो उन्नाव चार घटना ये किया है, लेकिन जो इसका गैंग का मुखिया है सलमान, इसकी बड़ी भारी क्रिमिनल हिस्ट्री है और इसके विरुद्ध कुल मिला के 33 अभियोग पंजीकृत होने की अभी तक हम लोगों को जानकारी मिली है। इसके साथ में दूसरा इसका सहयोगी सुनील कन्होजिया है, उसके खिलाफ भी गैंगस्टर सहित अनेक जघन्य धाराओं के मुकदमे पंजीकृत है। सर, जैसे ये लोग चोरी कर रहे थे, असलाह भी इनके पास था, तो असलहे का इस्तेमाल अभी तक इन लोगों ने चोरी के दौरान किया या फिर जो लूट की भी घटनाएं कर रहे थे चोरी के साथ? नहीं, इसमें जो फिलहाल जो चार मुकदमे इनके ऊपर ओपन हुए हैं उनमें लूट का कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन इनकी जो आपराधिक इतिहास है उसमें लूट के कई मुकदमे हैं, तो ये समय पड़ने पे लूट भी मतलब जिस तरह के अपराध करना चाहे उस तरह के अपराध करते रहे हैं, ये अभ्यस्त अपराध। ये इसमें कुछ लोग विशेष रूप से जो गैंग का मुखिया है बहुत बड़ा नशेबाज है, इसमें एक कादी है और अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पैसे चाहिए, उसके परिजन नहीं है, परिवार में केवल बहनें तीनों विवाहित है और कोई नहीं है, और निरंतर जेल में रहा है, जैसा कि आप समझ सकते हैं 33 मुकदमे हैं उसके, और अभी 2 महीने पहले ही वो जेल से बाहर आया था। सर, ये तीनों लोग आपस में कनेक्ट कैसे हुए, क्योंकि तीनों अलग अलग रह रहे हैं, उनकी उम्र भी सेम नहीं है? आप नहीं, उम्र तो लगभग सेम है, 27 है, 26 है और 19 वर्ष है, तो नव युवा ही है अभी, वो नहीं हुआ। साथ ही जो आप समझ रहे हैं कि जेल में जब जाते हैं लोग तो आपस में मुलाकात हो जाती है, फिर जिस तरह से लोग अपने शौक के अपनी रुचि के लोगों को खोज के उनसे मित्र भाव बढ़ा लेता अपनी योजना के तहत, उस तरह से इन लोगों का आपस में गैंग बना और ये घटना। बाइक भी बरामद हुई है? बाइक बरामद? हाँ, बाइक, दोनों बाइक बरामद हुई। चोरी की बाइक? हाँ, चोरी की बाइक, चोरी पता है ना, एक वाराणसी में मुकदमा पंजीकृत है और एक बाराबंकी, वाराणसी सॉरी, एक उन्नाव में और एक बाराबंकी। हाँ, देखिए निगरानी की कई पद्धतियां हैं, परंपरागत पद्धति है हिस्ट्री शीट, हिस्ट्री शीट के लिए आवश्यक होता है कि स्थायी पता, जिस व्यक्ति का स्थायी पता नहीं वो जेल से निकलने के बाद कहाँ चला गया, वो तो लापता में ही रहता है, तो निगरानी की व्यवस्था तो तभी है जब हम लोग के पास में उसका कोई सुराग हो। निश्चित रूप से इसमें किया जा सकता था, उनके जो अन्य जो रिलेटिव हैं उनके बारे में जानकारी की जा सकती थी, तो निगरानी होती है, ऐसा नहीं है, निगरानी होती है और निगरानी के कई तरीके होते हैं, मुखबिर भी उसमें एक शामिल है, उसी निगरानी के बतौर हम लोग इनको गिरफ्तार करने में कामयाब हुए।